हे एवरीवन, वेलकम बैक। एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीरो जो कि वातानाबे को गुड मॉर्निंग विश करता है और अकारी भी जीरो की लास्ट नेम को पुकारते हुए गुड मॉर्निंग कहती है। ये सुन के जीरो सोचने लगता है कि काफी वक्त के बाद से अकारी ने मुझे नाम से पुकारा। और इसके बाद वातानाबे जीरो के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी वातानाबे बताती है कि आज मिड टर्म की अपडेट पोस्ट होगा और हम दोनों ने टेस्ट के लिए काफी अच्छी तरह से पढ़ा था तो हमारा अच्छा ही रहेगा। और जीरो भी देखता है कि वातानाबे आज काफी खुश होती है और वो वातानाबे को ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू कहता है। जीरो देखता है कि वातानाबे उसके लास्ट नेम को पुकारते हुए काफी खुश होती है और ये देख के जीरो सोचने लगता है कि वो मेरे लास्ट नेम को यूज कर रही है फिर भी वो नॉर्मल दिख रही है, क्या वो आज अच्छी मूड में है क्या। तभी वातानाबे दिखाती है कि उसको कल साची ने चॉकलेट दिया था और चॉकलेट एक साथ खाने के लिए वो जीरो से पूछती है और ये देख के जीरो भी हाँ कहता है। वो सोचने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो जो कि अपने स्कूल में होता है वो फोन में सर्च कर रहा होता है कि अगर गर्लफ्रेंड लास्ट नेम से पुकारती है तो उसका क्या मीनिंग है। और ये देख के साधारू पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या ढूंढ रहे हो। तो जीरो कहता है कि ये वातानाबे के बारे में है। इसके बाद जीरो अपने दोस्त से पूछने लगता है क्या तुम अपने वाइफ के साथ आर्ग्यू करते हो। और ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि हम करते हैं और वो पूरे दिन इरिटेट रहती है और आर्ग्यू करने के बाद वो मेरे साथ बात भी नहीं करती है। उसका दोस्त कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे को सब कुछ बताए, अगर वो कहेगी कि मुझे अकेला छोड़ने के लिए तो मैं छोड़ भी दूंगा। इसके बाद जीरो अपने दोस्त के साथ छुप के देख रहा होता है कि एक लड़की मई को प्रपोज कर रही होती है, लेकिन मई कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। और इस उनके सदारू जीरो से कहने लगता है कि तो इनके बारे में जो रूमर था वो सच है, हमानो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है और हमानो के बारे में काफी वक्त से इसके बारे में बात चल रही थी। तभी जीरो ये देखता है कि मई वो लड़की को हक करते हुए कहती है कि तुम्हारे फीलिंग से मैं काफी खुश हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी स्माइल काफी अच्छी है और तुम अपने स्माइल के साथ मुझसे भी एक बेहतर इंसान ढूंढ लोगी। यहाँ पर हमारा वो लड़की को मिनामी नाम से पुकारती है जिसकी वजह से वो लड़की भी काफी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो जो कि खुद सोच रहा होता है कि आखिर वातानाबे उसकी लास्ट नेम से क्यों पुकार रही है। तभी जीरो वातानाबे की बात को याद करता है जब वातानाबे ने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे मेरे नाम से पुकारना। इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो जो कि अपने रूम में वापस चला गया होता है। तभी वो सुनता है कि वातानाबे बाहर से कह रही होती है कि वो वापस आ गई है। जीरो वातानाबे की आवाज सुनते हुए सोचने लगता है कि क्या मुझे उसको नाम से पुकारना चाहिए। और जब जीरो चेंज करने के लिए पेंट उतार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अकारी अचानक से आ जाती है और वो रैंकिंग दिखाने लगती है और यहाँ पर जीरो एकदम से एम्बेरस हो गया होता है। लेकिन तभी जीरो देखता है कि वो लोग 8th रैंकिंग में है और यहाँ पर अकारी भी काफी खुश होते हैं, जीरो को हक कर लेती है जिसकी वजह से जीरो काफी एम्बेरस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीरो जो कि सावर लेने के बाद अकारी जीरो के हेयर को ट्राई करते हुए कहने लगती है कि याकुइन जो मैं शैम्पू चूज की थी वो काफी अच्छा है। जीरो ये सब सुनते हुए सोचने लगता है कि वो सच में मुझे मेरे फास्ट नेम से और नहीं पुकार रही है। तभी जीरो कुछ सोचते हुए वातानाबे को अकारी पुकार देता है और जीरो के मुंह से अपने नाम सुनकर अकारी पहले तो एम्बेरस हो जाती है और अकारी को ऐसे एम्बेरस होते हुए देख के जीरो सोचने लगता है कि वो सच में चाहती है कि मैं उसे उसके नाम से पुकारूं। और जब जीरो फिर से अकारी पुकारता है तो अकारी साई करने लगती है। तभी वातानाबे जीरो से कहने लगते है कि हम टेक्निकली एक मैरिड कपल है और मैं ये चाहूंगी तुम मुझे अकारी ही पुकारो। अकारी तभी जीरो की हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे पसंद आया और जीरो हमें थोड़ा और भी आगे जाना है और इसीलिए तुम मेरे साथ ही रहना। वातानाबे की बात सुनते हुए जीरो सोचने लगता है कि धीरे धीरे सारी चीज ठीक हो रही है और वो भी एक दिन मेरे क्लासमेट वातानाबे फिर से बन जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोरी की दोस्त सियोरी से कहने लगती है कि सियोरी अगर तुम कुछ और नहीं करोगी तो तुम जीरो को खो दोगी। वो कहती है कि जब तुम क्लास ड्यूटी में एक साथ थे तो तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया और तुम्हें कम से कम 21 कर ही लेनी चाहिए थी, अगर तुम इसी तरह रुक जाओगी तो हो सकता है कि जीरो तुमसे दूर चला जाए। ये सब सुन के सियोरी कहती है कि कहना आसान है लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक बॉल आके सियोरी को लगती है और यहाँ पर हमानो जीरो से आके कहती है कि सियोरी नर्स ऑफिस में रेस्ट कर रही है, तुम्हें जाके उससे मिल लेनी चाहिए। लेकिन जीरो तो पहले हैरान होता है और इसके बाद जीरो सियोरी से मिलने जाने लगता है और हमानो सियोरी को मैसेज कर देती है कि उससे मिलने जीरो जा रहा है। इसके बाद जीरो सियोरी के पास चला जाता है। वो सियोरी से पूछता है कि क्या तुम अभी अच्छा महसूस कर रही हो, तो सियोरी भी कहती है हाँ और यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी सियोरी जीरो से पूछती है कैसा लग रहा है कि तुम्हारे बीच और वातानाबे के बीच सारी चीज अच्छे से हो रहा है। और इस उनके जीरो कहता है कि अभी तो थोड़ा ठीक है, वरना तो हम दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करते रहते थे। और इस उनके सियोरी कहती है कि और वो खुश होते कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आर्ग्यू करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हें काफी वक्त से जानती हूँ लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा, अगर मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी तो शायद ये हो सकता है कि मैं तुम्हें गुस्सा होते हुए भी देख सकती हूँ। और ये सुन के जीरो जब हैरान होते हुए सियोरी की तरफ देखने लगता है तो सियोरी एम्बेरस होते हुए कह देती है कि मैं तो बस प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रही थी। तभी सियोरी कहती है कि मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, मैं अभी हाई स्कूल में हूँ, फिर भी जब मेरे चारों ओर बॉयज होते हैं तो मैं नर्वस फील करती हूँ, लेकिन मेरे चारों तरफ जो लड़कियां हैं वो और भी मैच्योर हैं, लेकिन मैं अभी भी एक बच्चे की तरह ही हूँ। तभी जीरो कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है,
तभी जीरो पूछता है कि क्या तेंजिन के साथ कुछ सीरियस तो नहीं हुआ है ना, जैसे कि किस या फिर कुछ और। और ये सुनकर सियोरी हैरान होते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये सारी चीज उसके साथ करना चाहूंगा जिससे मैं प्यार करती हूँ। और ये सुनकर जीरो भी हैरान होते हुए कहने लगता है कि ये चीजें पहली बार प्रीशियस ही होता है, अगर किसी के लिए मैं भी होता तो मैं इसके लिए खुश होता। तभी सियोरी जीरो से पूछती है कि तुमने मुझे पहले कहा था कि अगर ऐसा कुछ है जिसमें तुम मुझे मदद कर सकते हो तो तुम मेरी मदद जरूर करोगे, अगर मैं तुम्हें एक चीज के बारे में पूछूंगी तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर पाओगे। तभी सियोरी सहाय करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और वो कहती है कि जैसे कि किसिंग। और ये बात सुनकर जीरो तो एकदम से चौंक जाता है। और यहाँ पर सियोरी तभी एम्बेरस होते हुए कहती है कि अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, और इसके बारे में पूछने के लिए मुझे माफ कर देना, ये अजीब है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अभी वातानाबे है। तभी जीरो एम्बेरस होते हुए सियोरी से पूछता है कि मैं क्यों। तो सियोरी कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन तुम ही एक हो जिससे मैं ये सब पूछ सकती हूँ। तो जीरो कहता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो, लेकिन मैं प्रैक्टिस में इतना भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम सच में ठीक हो कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी। तभी सियोरी कहती है कि अगर तुम रहोगे तो मैं सच में अच्छा महसूस करूंगी। तभी सियोरी जीरो के आगे बैठते हुए कहती है कि अभी मेरा हार्ट और भी ज्यादा जोर से धड़क रहा है। तो जीरो कहता है कि मेरा भी। यहाँ पर जीरो सोचने लगता है कि क्या सच में हो रहा है कि वो मेरे लिए सीरियस है। तभी जीरो सियोरी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो सियोरी को किस करने वाला होता है कि सियोरी तभी कहती है कि रुको, हमें अभी ये नहीं करना चाहिए और हम मैरिड नहीं है जिसके वजह से ये ठीक नहीं है। लेकिन तभी नॉस्ट्रोम का डोर ओपन करते हुए साची अंदर आ जाती है, इसके वजह से अचानक जीरो सियोरी के ऊपर गिर जाता है। और तभी साची ये दूर से देखती है कि एक लड़का एक लड़की के ऊपर होता है, और वो सोचने लगती है कि ये लोग स्कूल में भी स्टार्ट हो गए, और वो एम्बेरस होते हुए वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जीरो अचानक गिरने की वजह से सियोरी को किस कर लिया होता है, और यहाँ पर जीरो सियोरी के ऊपर होता है, और वो एकदम से हैरान होते हुए उठ जाता है, और वो ये एक्सीडेंट के लिए माफी मांगने लगता है। सियोरी भी कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, और इसके बाद जीरो वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि जीरो को मैसेज कर रही होती है, और वो जीरो की रिप्लाई के लिए वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर वातानाबे के पास सची आ जाती है, और यहाँ पर वो बताने लगती है कि जब वो क्लास स्किप करने के लिए नॉस्टरूम के अंदर चली गई थी तो वहाँ पर पहले से ही कोई था, और कॉटन की दूसरी ओर एक लड़का और लड़की थी, और बेड से आवाज आ रही थी। उनको वातानाबे कहने लगती है क्या इसका मतलब तुम्हें लगता है कि वो लोग वो कर रहे थे। और ये सुनकर सची कहती है कि हाँ बिल्कुल बेड आवाज कर रही थी, तो इसका मतलब और क्या कर सकते हैं वो लोग। तभी वातानाबे को जीरो मैसेज करता है कि सियोरी को चोट लग गई थी इसलिए वो नॉस्टरूम में थी, और उससे मिलने के लिए वो गया था। और ये मैसेज पढ़ के वातानाबे थोड़ा हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीरो जो कि अपने रूम में वापस चला गया होता है, और जब वो फ्रिज ओपन करता है तो वो देखता है कि वो सुबह का चॉकलेट जिसे वातानाबे ने मिलकर खाने के लिए बोली थी। वो फोन में टाइम देखता है, काफी वक्त हो गया, अकारी लेट है। नेक्स्ट सीन में हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि किसी कैफे में बैठी होती है, और वो अपसेट दिख रही होती है। तब हमें वहां पर मिनामी तेंजी को काम करते हुए दिखाया जाता है, और जब मिनामी वहां पर काम कर रहा होता है तो वो वहां पर वातानाबे को अकेला बैठा हुआ देखता है। तभी वातानाबे वहां पर ऑर्डर किया हुआ आइसक्रीम को खाती है, और वो काफी खुश होती है, और वो तभी खुद से कहती है कि अभी मुझे पता चला मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी, लेकिन जीरो सच में अच्छा है। और उसके बाद वो अपने रूम की ओर आने लगती है। वो सोचने लगती है कि क्या सच में जीरो ने साकुराजाका के साथ ये किया होगा, उसने कहा था कि वो उसकी फास्ट लव है, और फास्ट लव के साथ इसी तरह की फास्ट मूवमेंट होना ये सच में खुश करता है। वो याद करते हुए खुद से कहती है कि जीरो एंड साकुराजाका अभी एक साथ है, तो इसका मतलब क्या कुछ बदल गया है, जीरो और मैं अभी एक मैरिड कपल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो डोर ओपन करके अंदर जाने लगती है। वो सोचने लगती है कि क्या जीरो सो गया होगा, और जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि जीरो सोफा पर ही सो गया होता है। तो अगारी जीरो से पूछने लगते है कि आखिर तुम सोफा पर क्यों सोए हुए हो, तुम्हारे गंदे कपड़े यहाँ वहाँ क्यों फैले हुए हैं, मैं तुम्हारा मॉम नहीं हूँ की मैं तुम्हें ये सब के बारे में बताऊँ। और यहाँ पर जीरो को वो आवाज दे रही होती है और डांट भी रही होती है, लेकिन जीरो तो यहाँ पर सो ही गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वातानाबे के फोन पर एक मैसेज आता है, जहाँ पर उसे मैसेज में कोई कह रहा होता है कि वो चॉकलेट में हुस्की थी, क्या तुमने वो चॉकलेट खा तो नहीं ली ना। यहाँ पर वातानाबे जीरो को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता है। तभी वातानाबे जब अपने आगे देखती है तो वो देखती है कि वो चॉकलेट जिसको वो खाने के लिए बोल रही थी, जीरो ने वातानाबे की वेट करने के बाद कुछ चॉकलेट खा लिया था। तभी वातानाबे जीरो की तरफ देखते हुए कहती है कि इडियट। तभी वातानाबे कहती है कि जीरो क्या तुम सुन रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वातानाबे अपने ड्रेस ओपन करने लगती है, और वो जीरो के पास आते हुए कहती है कि क्या तुम नहीं उठने वाले, क्या तुम जिंदा तो हो ना। और वो जीरो को जगाने के लिए उसके ऊपर भी लेट जाती है, लेकिन जीरो तो नहीं जग रहा होता है। वो पूछती है कि क्या तुमने सच में नॉर्थ ऑफिस में वो किया था, या फिर ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं हूँ। क्या मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मुझे सच में बुरा लगेगा कि अगर तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे तो, इसलिए तुम मुझे पीछे मत छोड़ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लव में सच में चीयर करूंगी। तो क्या तुम अभी के लिए जब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ क्या तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो। और इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तभी जीरो अपनी नींद से जागता है, और वो अपनी साइड में अकारी को देख के एकदम से चौंक जाता है। वो हैरान होते सोचने लगता है कि आखिर वो मेरे साइड में क्यों सो रही है, और वो ये देख के हैरान होता है कि वातानाबे के कपड़े खुले हुए होते हैं। तभी वहां पर वातानाबे भी जाग जाती है, वो जीरो को गुड मॉर्निंग कहती है, और जीरो एम्बेरस होते हुए पीछे पलट जाता है। तो वातानाबे पूछने लगते है कि आखिर क्या हुआ, तो मैं गुड मॉर्निंग कह रही हूँ। तभी जीरो अकारी से पूछने लगते है कि आखिर क्या हुआ तुम्हारे कपड़े को, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन पहले तुम अपनी क्लोज पहन लो। तभी अकारी कहने लगते है कि तुम बेवकूफ हो, तुम कल रात क्या हुआ वो भूल गए थे। और ये सुनकर जीरो कहता है कि क्या क्या हुआ था, और वो कहने लगती है कि क्या तुम सच में भूल गए कि रात में क्या हुआ, तुमने मेरे साथ वो सारी चीज किया। और ये बात सुनकर तो जीरो एकदम से हैरान हो जाता है, उससे कहने लगता है कि मैं सच में कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इसका मतलब मैंने वो सारी चीज किया।
जीरो अकारी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि वो तो तेंजी को लाइक करती है, क्या वो सच में मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तभी जीरो अकारी को पकड़ते हुए कहने लगता है कि क्या, रुको एक सेकंड, इसका मतलब मैं और वर्जिन नहीं हूँ अभी। वो खुद से कहने लगता है कि मैं सच में बेवकूफ हूँ कि मैंने वो सारी चीज उसके साथ किया और मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वातानाबे जीरो से पूछते है कि क्या जीरो, पिछली रात क्या तुम्हारा वो पहली बार था? और वो कहते है कि अगर तुम झूठ कहोगे तो तुम्हें आज डिनर नहीं मिलने वाला। और ये सुनकर जीरो कहने लगता है कि मैं क्यों झूठ कहूंगा, ये मेरा पहली बार ही था। तभी जीरो इसके बारे में माफी मांग रहा होता है कि तभी अकारी कहती है कि मैंने झूठ बोली थी, ये सच में एक झूठ ही था। और ये सुनने के बाद तो जीरो एकदम से गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसे मजाक कर रही हो। जीरो अकारी से कहने लगता है कि ऐसी झूठ तुम्हें नहीं कहना चाहिए, तुम्हें पता है ना ये ठीक नहीं है। तभी वातानाबे जीरो को मॉक करते हुए कहती है कि चलो तुम्हें थोड़ा निराश होना चाहिए। और ये सुनकर जीरो कहता है कि मैं सच में डिसअपॉइंटेड हूं, ये बुरा है कि मैं अभी भी वर्जिन हूं। और ये सुनकर अकारी तो जीरो की कान पकड़ने लगती है। जीरो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे जैसे एक वर्जिन के साथ तुम ये कभी भी नहीं करोगी। तभी हम देखते हैं कि अकारी जो कि जीरो के पास चली जाती है और वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करूंगी तब तक जब तक मुझे पता है कि तुम साकुराजाका को पसंद करते हो। ये सुनकर जीरो हैरान होते पूछता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो। अकारी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहली बार किसी एक लड़की से नफरत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं शायद साकुराजाका होती और तुम जिसके बारे में सोचते हो। और यहाँ पर वो जीरो की कान पकड़ लेती है जिसके वजह से जीरो कुछ सुन नहीं पा रहा होता है। तभी अकारी जीरो से प्यार से कहने लगती है कि मुझे नफरत है जीरो तुमसे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो भी जीरो को पसंद करने लगी है। और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।